नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई विधिवत तरीके से चल रही होगी। और पढ़ाई चले क्यों ना, इसलिए चले क्योंकि अब आगामी एग्जाम में, अगर आप आगामी एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बचा हुआ समय है, शेष समय में हम लोगों को बेहद शानदार मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए रणनीति के तहत कार्य करिए। रणनीति के तहत कार्य करने का मतलब यह है कि लगभग लगभग जितने भी विषय हैं सिलेबस में, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अब समय क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ लो उसको पढ़ लो, ऐसे तो होता नहीं है। इसलिए इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि जो रणनीति है, एक बार अगर हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में आके देखें तो पूरे रणनीति के साथ मॉर्निंग में लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास आपको मिलेगी और शाम के समय भी आपको 5 से 6 घंटे क्लास मिलेगी, जिसमें पूरी तरह से सिलेबस को फोकस किया गया है। सिलेबस में जितने भी, जहां से भी, जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वह आपको बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण किया जाएगा और आप देखेंगे कि जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस भी बनता है। कॉन्फिडेंस ये बनता है कि जब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जब पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रश्न हमें मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि समय चूंकि कम है और अगर आप भटकेंगे तो भटकने से फिर कहीं ना कहीं हमें जो नए साल का एक शानदार सौभाग्य मिलने वाला है, एक नौकरी मिलने वाली है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नया साल आपका शुभ हो, इन शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, उसको जरूर आप एग्जाम में सफलता हासिल करें। इसके लिए मिशन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से कमर कस चुका है। आप लोग देखेंगे तो आपको लगभग लगभग सुबह और शाम की क्लासेस मिल रही है, तो जरूर एक बार विचार करें, ठीक है। और वो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो क्लासेस है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो SSC GD के लिए किस प्रकार से परिहार सर ने एक बहुत ही मनोरथ का कार्य किया है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो शहर में हमारे बच्चे हैं, कम से कम देखिए इसमें तो हम आपको कह सकते हैं निःशुल्क फीस, और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा जो है आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ दोस्तों उसका विश्लेषण भी कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है और ऑनलाइन तरीके से चीजें आपको मिली रही है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसा बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन शहर में देखिए किस प्रकार से इतनी कठिनाई के बावजूद भी, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी मिशन इंस्टीट्यूट आपके मिशन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अश्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अश्वान बांध की जब बातचीत करते हैं तो नील नदी है, जायरे नदी है, लिम्पोपो नदी है और जाम्बेजी नदी है। दोस्तों जो डैम होते हैं, डैम को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा, यानी भारत के आधुनिक मंदिर है, ऐसे कहिए आधुनिक, यानी भारत के आधुनिक मंदिर है, क्योंकि इससे पेयजल की सुविधा है, इसी प्रकार उद्योगों के लिए पानी है, वन्य जीवों के लिए पानी है और विद्युत, याद रखिए जल विद्युत परियोजनाओं को भी हम बहुत आसानी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण उपयोगिता के कारण इन्हें बहुउद्देशीय कहा गया, या फिर भारत के आधुनिक मंदिर की जो है उपमा दी गई हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय साहब ने इस शब्द को कोट किया था। तो ठीक है, अश्वान बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? क्या नील नदी पर है, या फिर जायरे नदी पर है, या फिर दोस्तों लिम्पोपो पर है, या फिर जाम्बेजी? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, हम चारों ऑप्शन पर विचार करेंगे। लेकिन नील नदी के अगर हम लोग बातचीत करें दोस्तों, तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, पॉइंट वाइज देखिएगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात ये, इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। तीसरी बात है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अश्वान बांध बना हुआ है। अश्वान बांध बना हुआ है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अश्वान बांध की जो लोकेशन है वो इजिप्ट देश में है या फिर मिस्र देश में है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। वो अश्वान बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो आप लोग इसमें से ए ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगर हम कांगो जायर नदी की बातचीत करें तो कांगो जायर नदी दोस्तों बहुत ही चौड़ी नदी है, अमेजन नदी हो गया, इसी प्रकार से कांगो जायर नदी हो गया, दुनिया की सबसे चौड़ी नदियों में आती है। इनमें मुश्किल होता है डैम बनाना,
लेकिन फिर भी इसके विषय में देखिए चार पांच पॉइंट हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट यह है कि ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इस नदी में लिविंग स्टोन जलप्रपात है, स्टेनली जलप्रपात है, ये दोनों जलप्रपातों का निर्माण होता है। इसके अलावा कांगोजार नदी के आसपास फैले वनों को सवाना वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सवाना वन कहते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बातों को भी याद रखना है। लिम्पोपो नदी दोस्तों, लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काट रही है, इसको भी आप लोगों को समझना है। जाम्बेजी नदी दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जाम्बेजी नदी पर आप देखेंगे करीबा बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? करीबा डैम है, करीबा डैम का नाम सुनोगे। इसके अलावा इसमें विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण होता है। ये बहुत ही चौड़ा जलप्रपात है, इसे अफ्रीका का वाटर कर्टन भी कहते हैं, यानी पानी का पर्दा भी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना। तो पहले क्वेश्चन में देखिए इतनी ढेर सारी चीजें आपको मिली है, आप सभी लोग अच्छे से इसको क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकशंभो बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? अंकशंभो बांध की बात हो रही दोस्तों, अंकशंभो बांध क्या लिम्पोपो नदी पर है, वोल्टा नदी पर है, बोल्गा नदी पर है, या फिर कोलोरेडो नदी पर है? दोस्तों अंकशंभो बांध की अगर हम लोग बातचीत करें तो ये दोस्तों घाना देश में है। किस देश में? घाना देश में है। अब देखिए लिम्पोपो नदी का संबंध घाना से है ही नहीं, बोल्टा नदी है, बोल्गा नदी तो दोस्तों रूस में बहती है, इसका भी संबंध नहीं है। कोलोरेडो नदी अमेरिका में बहती है, तो इसलिए बचा कौन? इसलिए बचा बोल्टा नदी दोस्तों। बोल्टा नदी बोल्टा नामक झील से, याद रखिए बोल्टा जो नदी है वह बोल्टा नामक झील का, कृत्रिम झील का दोस्तों निर्माण किया गया इसमें, और यहां से होते हुए सीधा गिनी की खाड़ी में गिरती है। बोल्टा नदी की तीन धाराएं हैं, एक ब्लैक बोल्टा है, एक व्हाइट बोल्टा है और एक रेड बोल्टा है। ये तीनों नदियां धाराएं जब आपस मिलती है तो याद रखिएगा आप बोल्टा नदी को देखते हैं। इस बोल्टा नदी पर अंकशंभो बांध बनाया गया, इसको याद रखिएगा तो भी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, करीबा बांध करीबा डैम निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? क्या जाम्बेजी नदी पर है, या फिर नील नदी पर है, जारे नदी पर है, या फिर नाइजर नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर दोस्तों करीबा बांध, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो करीबा बांध है वह जाम्बेजी नदी पर निर्मित है, ठीक है, ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इसी प्रकार से नील नदी पर अस्वान बांध है, याद रखिएगा अस्वान बांध है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और बांध है जिसका नाम है कोवान बांध हो गया। अब यहाँ पे नाइजर नदी देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है नाइजर नदी, इसमें कैंजी बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? कैंजी बांध है, इसको भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि अगले प्रश्न में इसको भी शामिल किया जाए। तो करीबा बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो जाम्बेजी को सभी लोगों को सही करना है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? क्या जाम्बेजी नदी पर है, नील नदी पर है, जायरे पर है, या फिर नाइजर पर है? तो कैंजी बांध का संबंध है दोस्तों नाइजर नदी। आपने अस्वान बांध का नाम सुना, आपने कैंजी बांध का नाम सुना, आपने अंकशंभो बांध का नाम सुना, आपने करीबा बांध का नाम सुना और आपने कोवान बांध का नाम सुना। देखिए ये बांधों से संबंधित प्रश्न है, इसमें प्रैक्टिस में आप लोगों को विचार करना है दोस्तों, समझते हुए चलिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। हूबर बांध कहाँ है, ग्रैंड कुली बांध कहाँ है, इसी प्रकार थ्री गॉर्जेस बांध कहाँ पर है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कुली डैम कहाँ पर है, किस नदी पर है? ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर है? पराना नदी पर, कोलंबिया नदी पर, नील नदी पर, या फिर जाम्बेजी नदी पर? देखिए ग्रैंड कुली डैम जो है आपका यूएसए में स्थित है। तो जब यूएसए हम लिख देते हैं तो यहाँ से उन नदियों को हम बाहर कर दें जो यूएसए के बाहर बहती हैं। जाम्बेजी नदी तो आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, अफ्रीका की नदी है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। नील नदी ये भी अफ्रीका की नदी है, इसको भी आप बाहर कर सकते हैं। पराना नदी की बातचीत करें दोस्तों तो ये साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका महाद्वीप की नदी है, लैटिन अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा सही है? तो कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी
कोलंबिया नदी का पूरा नाम है कोलंबिया स्नेक नदी, याद रखिए दोस्तों कोलंबिया स्नेक नदी। और इसी नदी पर ग्रैंड कुली डैम स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों ग्रैंड कुली डैम स्थित है। तो अफ्रीका में दो नदियां हो गई, एक लैटिन अमेरिका की नदी हो गई और दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिका की हो गई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें, अगला क्वेश्चन है हूबर डैम, हूबर डैम निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? नील नदी, पराना नदी, कोलोराडो नदी या फिर जामवेजी नदी। नील नदी पर दो बांध, अस्वान, अस्वान हो गया, इसी प्रकार से कोवान हो गया, एक और याद रखिए नासिर, नासिर को भी याद रखिएगा, अस्वान हो गया, कोवान हो गया और नासिर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जामवेजी की बातचीत करें, जामवेजी की बातचीत करें तो उसमें हो गया, उसमें कौन सा हो गया दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जामवेजी नदी पर, जामवेजी नदी पर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जो डैम है उसका नाम है करीबा। क्या नाम है दोस्तों? करीबा नाम है, करीबा को याद रखिएगा। अब हूबर डैम की बातचीत कर रहा है तो हूबर डैम कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो अमेरिका की ऐसी नदी है जो दुनिया का सबसे गहरे कैनियन का निर्माण करती है जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दुनिया की सबसे गहरी खाई ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और जिस नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है दोस्तों बताइए? नील नदी पर बना हुआ है, ठीक है, करीबा है, अश्वान है, कैंजी है और अक्सम्बो है। सोचो सोचो और जवाब दीजिए, क्योंकि लगभग 6 प्रश्नों को हमने आपको बताया और अगर 6 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकेंगे। एक बार पुनः सुने, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, उसका नाम क्या है? अगर दोस्तों पहले ऑप्शन की बातचीत करें तो इसमें करीबा लिखा हुआ है, इसमें करीबा लिखा हुआ है, तो जो करीबा बांध है, करीबा बांध है वो जामवेजी नदी पर, जामवेजी नदी पर बना हुआ है। जामवेजी अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी नदी है जो जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे देशों के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। और इसके अलावा ये हिंद महासागर में गिरने वाली, ध्यान दीजिए, हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, इसलिए याद रखिएगा हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा देखिए दूसरा दिया है अश्वान बांध नील नदी पर, तो यही है ना, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए, ठीक। कैंजी बांध दोस्तों नाइजर नदी हो गया, नाइजर नदी हो गया, नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहते हैं। नदियों वाले टॉपिक में देख लीजिएगा, इन नदियों के विषय में हमने बहुत अच्छे से व्याख्या किया है। नाइजर नदी को ऑयल नदी कहते हैं, जो माली, नाइजर, नाइजर तथा नाइजीरिया, नाइजीरिया देशों से होते हुए अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में गिरती है। अर्थात इस नदी की जो स्थिति है, आप मैप में अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये नदी इस प्रकार से आती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, तो आप इसमें बताएंगे, अफ्रीका बताएंगे और चारों गोलार्धों में स्थित महासागर कौन सा है, तो इसमें अटलांटिक ओशन को बताएंगे। इसको भी आप सभी लोग पॉइंट वाइज करते चले जाइएगा। अक्सम्बो बांध देखिए दिया हुआ है, तो अक्सम्बो बांध वोल्टा नदी में बनता है, वोल्टा नदी पर बनता है दोस्तों। वोल्टा नदी घाना देश में स्थित है, बहती है और इसके साथ साथ वोल्टा झील भी है। वोल्टा झील जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, और इसी झील के आसपास कोको ट्रायंगल स्थित है। कोको ट्रायंगल, कल हमने शायद कल या परसों बताया था, बरमूडा ट्रायंगल
अब यहाँ पर देखिए घाना में मिला आपको कोको ट्रायंगल, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है, आपको बताना है। क्या नील नदी होगा, जाम्बेजी नदी होगा, नाइजर नदी होगा, या फिर यांग सीटी क्यांग नदी होगा। थ्री गार्जेस डैम थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। नील पर देखिए नासिर हो गया, अस्वान हो गया, और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें कोबान हो गया। जाम्बेजी पर बचा है करीबा है इसमें बना हुआ है। नाइजर पर देखिए कैंजी हो गया तो बचा कौन, यांग सीटी क्यांग। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। यांग सीटी क्यांग जो है यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी नदी या फिर यांग सीटी क्यांग नदी। दोस्तों यह गोबी मरुस्थल में स्थित किंघाई झील से निकलती है। किस झील से निकलती है, किंघाई झील से निकलती है, और किंघाई झील से निकल करके चाइना के वुहान शहर से होकर आगे बढ़ती है। चाइना का वुहान हो गया और संघाई शहर हो गया। संघाई शहरों से होते हुए ये प्रशांत महासागर में गिरती है। यांग सीटी एशिया की सबसे लंबी नदी, और आप देखेंगे चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है, उसका नाम हुआंग हो नदी दोस्तों, जिसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। वैसे चाइना को विश्वासघाती देश ही कहते है ना, चाइना को विश्वासघाती देश ही कहते हैं। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो वांगो नदी है वो भी विश्वासघाती नदी के रूप में, हालांकि जो मंचूरियन सिविलाइजेशन है, चाइना के जो सिविलाइजेशन है, वह कहीं ना कहीं दोनों नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो कुल मिला के थ्री गार्जेस जो डैम है वो किस नदी पर, तो चाइना में यांगसी की क्यांग नदी पर बना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है वॉन विले बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है, बताइए। वॉन विले बांध की बात की हो रही है, क्या कोलंबिया नदी है, या फिर कोलोरेडो नदी है, मिसिसिपी नदी है, या फिर सैक्रामेंटो नदी है। देखिए ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी अमेरिका की नदियां, इसका मतलब यह है कि वॉन विले भी अमेरिका में स्थित है। अब कोलंबिया नदी पर आपने देखा होगा, आप कोलोरेडो नदी को आपने देखा और कोलंबिया, कोलोरेडो पर नदी पर आपने हूबर डैम का नाम सुना होगा। कोलंबिया नदी का भी हमने बताया था, उसमें याद रखिएगा उसमें कौन सा जो है बांध है, उसमें है ग्रैंड कुली। कौन सा है दोस्तों, ग्रैंड कुली नाम का बांध है। तो कोलंबिया में ग्रैंड कुली डैम हो गया, कोलोरेडो में दोस्तों हूबर डैम हो गया, और सैक्रामेंटो नदी पर देखिए कौन सा बांध हो गया दोस्तों, वॉन विले बांध हो गया। तो यहां पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, क्या इलगुरी डैम है, या फिर रोगन रस्की डैम है, भाखड़ा है, या फिर रोटर डैम है, बताइए दोस्तों। सभी लोग बताने का प्रयास करिए विश्व का सबसे ऊंचा डैम। वैसे ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है, ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा कि भाखड़ा को हम भारत का सबसे ऊंचा तो मानते हैं, इसके साथ साथ विश्व का भी सबसे ऊंचा डैम मानते हैं, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। इनगुरी डैम रूस में है, इसी तरह देखिए रोगन वश्की जो है डैम है तजाकिस्तान में, और नोटर ड्रम जो उसमें डैम है ये फ्रांस में हो गया, ठीक है। तो भाखड़ा नागल जो डैम है दोस्तों पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये स्थित है, इस बात को यहाँ पर आपको याद रखना। सतलज नदी का नाम सुने होंगे, ये सब शामिल है। अब इसके बाद देखिए ये विश्व के प्रमुख डैम रहे, इन डैम्स के पश्चात अब जो प्रश्न आपके बीच में आने वाले हैं वो लगभग भारत से ही संबंधित है। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में यहाँ पर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको और अच्छे से विचार करना होगा, क्योंकि भारत के संबंध में डैम ज्यादातर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अस्वान जो डैम है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सूडान में है, मिस्र में है, जायरे में है, नाइजीरिया में है,
तो यहाँ पर आपको समझना है कि असवान डैम नील नदी पर बनता है, नील नदी द्वारा बनता है, नील नदी पर सॉरी बनाया गया है, और किस देश में, मिस्र में या फिर मान लीजिए मिस्र की जगह इजिप्ट देश दिया रहे, इजिप्ट देश दिया रहे, इजिप्ट को भी सही करना है। पहले मिस्र कहा जाता था, अब इसका नाम हो गया दोस्तों इजिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, बी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना। अगला प्रश्न देखिए, मैंने कहा था ना भारत से संबंधित डैम आपको पढ़ाए जाएंगे। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध की जब बातचीत करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, इन चार राज्यों में से आपको च्वाइस करना है। बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा कि नागार्जुन सागर या नागार्जुन जो सागर बांध है वह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा सही होगा? आंध्र प्रदेश को सभी लोग सही करेंगे। वैसे दोस्तों नागार्जुन श्री सैलम नाम से हमारे देश का सबसे बड़ा, याद रखिए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है इसी नाम से दोस्तों, श्री नागार्जुन श्री सैलम नाम से टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व जिसका नाम है श्री नागार्जुन श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। वैसे टाइगर रिजर्व की थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर करेंगे, भारत में इनकी कुल संख्या टाइगर रिजर्व की 53 है और सबसे पहला जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है दोस्तों, सबसे पहला जिम कार्बेट है। इसी प्रकार बड़ा कौन सा है, तो बड़ा मैंने बताया ना, बड़ा है श्री सैलम श्री नागार्जुन, कोई ना कोई सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा बोर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है महाराष्ट्र में है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का कौन सा सही होगा, आंध्र प्रदेश होगा। भारत में देखिए टाइगर मैन किन्हे कहा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है टाइगर मैन किन्हे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला जी को कहा जाता है, ठीक है। वैसे इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट मैंने एक आपको करवा चुका हूँ, अगर आप लोग नियमित रूप से देखते होंगे तो आपको ये सब मिल चुका होगा कि टाइगर मैन किन्हे कहें, बर्ड मैन किन्हे कहें, वाटर मैन किन्हे कहें, ट्री मैन किन्हे कहें, मेट्रो मैन किन्हे कहें, ढेर सारी ये मैंने आपको नाम बताए हैं, सुझाए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर तथा किस राज्य में बनाया जा रहा है? अलमाटी डैम की बात की हो रही दोस्तों, कृष्णा नदी है, भागीरथी नदी है, महानदी है और यमुना नदी है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए सभी लोग अलमाटी बांध किस नदी पर तथा किस राज्य में बनाया जा रहा है। कृष्णा नदी के सामने कर्नाटक दिया है, भागीरथी के सामने उत्तराखंड दिया है, महानदी के सामने आंध्र प्रदेश दिया है और यमुना के सामने उत्तर प्रदेश दिया है, बताइए दोस्तों सभी लोग। इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अलमाटी डैम है वह कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। कृष्णा नदी दोस्तों याद रखिए, कृष्णा नदी के विषय में भी पूछता है, कृष्णा नदी के विषय में पूछता है। तो कृष्णा नदी देखिए एक गोदावरी नदी है जो नासिक से निकलती है, नासिक के त्र्यंबक से निकलती है, और दूसरी जो नदी है उसका नाम है दोस्तों कृष्णा, जो सतारा जिला में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरे और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, और आप देखेंगे दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर जब बना है तो पहले ऑप्शन को ये चूज करना होगा, ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में अगर हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है तो फटाफट यहाँ पर ध्यान दीजिए, नागरहोल रंगनाथिट्टू हो गया, इसी प्रकार कुद्रेमुख हो गया, बांदीपुर हो गया दोस्तों, बन्नेरघट्टा हो गया, ये सभी नेशनल पार्क, एक बार खुद से सुने, रंगनाथिट्टू, इसी प्रकार नागरहोल है, कुद्रेमुख है, बांदीपुर है, और मैंने अभी आपको बताया बांदीपुर कुद्रेमुख, ये आपके सब, तो कहने का मतलब ये कर्नाटक में स्थित क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बातचीत करें तो पिन वैली को याद रखिएगा, इससे संबंधित है, सॉरी पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश, माफ करेंगे, पिन वैली का संबंध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। फ्लावर वैली का संबंध कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कांगेर वैली का संबंध कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, जो बैली आलवान मामला है और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली की बातचीत करें तो साइलेंट वैली आपका केरल में। तो बैली की जब बातचीत हो, पिन वैली, फ्लावर वैली, साइलेंट वैली, कांगेर वैली, युथांग वैली, अच्छा कहां पर, युथांग वैली आपका सिक्किम में, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को आप लोग यहां पर कवर कर सकते हैं, क्योंकि पिछला पढ़ाया जा चुका है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध की जब बातचीत हो दोस्तों, सीधा सीधा कावेरी नदी बताइए। मेट्टूर बांध कावेरी नदी, कावेरी नदी इसका सही जवाब होगा। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़े बड़े बड़े अब देखिए प्रश्न आपको मिलेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब पहले सूची में बांध दिया है, दूसरी सूची में दिया हुआ है राज्य। आइए पहले बांधों को हम लोग देखते हैं। बांध दिए हैं ए बी सी करके, ए बी सी डी करके। बांध में देखिए सबसे पहला दिया हुआ है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए लोअर भवानी दिया हुआ है, लोअर भवानी बांध दिया हुआ है, चलिए ठीक। इडुकी दिया हुआ है, इडुकी दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक और है देखिए, नागार्जुन दिया। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में थोड़ी हमें समझदारी ये दिखानी चाहिए कि पहले हमें आता कितना है, पहले हमें इसमें आता कितना, इसको पहले समझना चाहिए। जैसे देखिए इसमें तुंगभद्रा है, लोअर भवानी, इडुकी है, नागार्जुन है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राज्यों में देखिए केरल दिया है, केरल दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए इडुकी के लिए अगर जानकारी है तो आप सभी लोग जान सकते हैं। सी ऑप्शन, सी के लिए, सी के लिए पहला ऑप्शन जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां सी ऑप्शन होगा वहां देखिए पहला ऑप्शन कोई ना कोई होना चाहिए। तो कौन सा देखिए यहां पर मिल गया, तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों नागार्जुन के लिए। देखिए नागार्जुन के लिए, नागार्जुन के लिए कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि डी के लिए दूसरा ऑप्शन हो गया। बचा कौन? तुंगभद्रा कर्नाटक कर लीजिए, अब बाकी लोअर भवानी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। तुंगभद्रा कर्नाटक से संबंधित, लोअर भवानी आंध्र प्रदेश से संबंधित, इडुकी केरल से संबंधित, और नागार्जुन का दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार का है, ध्यान देना है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और बताना है सही जवाब। परक्का दिया है, टिहरी दिया है, थीम दिया है, नागार्जुन दिया है, ठीक है। कौन कौन से दिए हैं दोस्तों? पहले नंबर पे दिया परक्का, परक्का हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन पर देखिए कौन सा, थीम, थीन बांध सभी लोग जानते होंगे, चर्चा में रह चुका है, रावी नदी है ना। इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ टिहरी, तो देखिए फरक्का के लिए आपको गंगा नदी सही करना, यानी ए के लिए तीसरा ऑप्शन मिलना चाहिए, ए के लिए तीसरा ऑप्शन। देखिए इसमें सीधा सीधा ही उत्तर आपको मिलना है, ठीक है, यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा है टिहरी, टिहरी के लिए दोस्तों कौन सा होगा? भागीरथी, टिहरी के लिए कौन सा होगा? भागीरथी, यानी बी के लिए चौथा ऑप्शन, बी के लिए चौथा ऑप्शन यहां पर मिलना, बहुत सही। अब इसके बाद थीन, थीन जो डैम है, थीन डैम का संबंध है रावी नदी से है, रावी नदी से दोस्तों, तो यहां पर आप सी के लिए दूसरा ऑप्शन सही कर सकते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन डैम सीधा सीधा सा, नागार्जुन डैम सीधा सीधा सा कृष्णा नदी, तो सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है नदियां, दूसरी तरफ दिया हुआ है बांध। देखिए कावेरी नदी दिया है, कृष्णा नदी दिया है, नर्मदा है और चंबल नदी है। दूसरी तरफ डैम दिया, अलमाटी दिया है, मेट्टूर दिया है, गांधी सागर दिया और सरदार सरोवर दिया हुआ है। सोचिए जरा दोस्तों, कावेरी के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया मेट्टूर डैम, यानी ए के लिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? कृष्णा नदी पर कौन सा हो गया? अलमाटी, अलमाटी कहीं लिखा है, बिल्कुल भाई बी ऑप्शन के लिए पहला हो गया। इसी प्रकार से नर्मदा, नर्मदा के लिए देखिए सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध आप सभी लोग सुने होंगे, सी के लिए कौन सा हो गया? चौथा ऑप्शन। बचा कौन सा? बचा है चंबल नदी पर, तो गांधी सागर, गांधी सागर दोस्तों बांध हो गया चंबल नदी पर।
डी ऑप्शन हो गया चंबल नदी पर, ठीक है। चंबल मालवा पठार से निकलने के पश्चात यह राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना से मिलती है, ठीक है। कोटा जैसा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। और आपने कूनो नदी का नाम सुना होगा, कूनो चंबल नदी की सहायक नदी है और इसी के नाम से नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, जिसमें नामीबिया से चीतों को लाया गया है, ठीक है। लगभग 8 चीते आए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। डैम से संबंधित देखिए, इसमें पहले डैम दिए, हीरा कुंड दिया है, पोंग डैम दिया हुआ है, टिहरी डैम दिया है और खीन डैम दिया हुआ है, ठीक है। लंबे लंबे क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं आपको, बड़े थोड़ा सा। हीरा कुंड डैम है, पोंग डैम है, टिहरी डैम है और खीन डैम है, ठीक है। अब यहां पर नदियां हैं व्यास, भागीरथी, रावी और महानदी। देखिए महानदी की जब हम बातचीत करते हैं तो इसको तो आप सभी लोग शुरू से ही जानते होंगे, ठीक है। वैसे तो जानना सब कुछ चाहिए। हीराकुंड डैम अर्थात ए के लिए आप देखेंगे तो चौथा ऑप्शन बनना चाहिए, ए के लिए चौथा ऑप्शन, ठीक है। हीराकुंड डैम उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत के सबसे बड़े डैम में इसकी गिनती होती है, ठीक है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जब हुई तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित रही और पहली पंचवर्षीय योजना में 5 बड़े डैम को बनाने का निर्णय लिया गया था, तो उसी में संबंधित है आपका ये हीराकुंड डैम। पोंग डैम देखिए यहाँ पे दिया हुआ, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। और व्यास नदी याद रखिए, बी के लिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे रखना होगा, ए के लिए आपने चौथा ऑप्शन रखा, बी के लिए पहला ऑप्शन। टिहरी डैम देखिए आ गया, टिहरी डैम भागीरथी नदी, सी के लिए दूसरा, और खीन डैम हो गया दोस्तों आपका रावी नदी तीसरा, ठीक है। तो चौथा पहला, चौथा मिला, पहला मिला और दूसरा मिला, तीसरा मिला, 4-1-2-3, 4-1-2-3 अर्थात ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए को सभी लोगों को सही करना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मैथान बाल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? क्या दामोदर नदी पर बनाए गए हैं, बराकर नदी पर बनाए गए हैं, कोनार नदी पर बनाए गए हैं या फिर बोकारो नदी पर बनाए गए? दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं ये चारों की चारों नदियां जहां से निकलती हैं उस जगह का नाम है, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार दोस्तों झारखंड के सबसे संबंधित है। छोटा नागपुर पठार की कुछ इस प्रकार से लोकेशन है, इस प्रकार से संरचना है, जिसमें इधर आप देखेंगे तो ये लिखा रहता है कोडरमा पठार, कोडरमा पठार लिखा रहता है। इधर की तरफ आप देखेंगे रांची पठार है, रांची पठार हो गया, और ये हो गया दोस्तों हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है ये तीन पठारों का एक समूह है, ये तीन पठारों का एक समूह है और खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहेंगे दोस्तों। वैसे रूर जो है जगह है वह जर्मनी में स्थित है, तो कंपैरिजन किया गया भारत का रूर किसे कहे, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहे। अब देखिए कोडरमा जाना जाता है अभ्रक के लिए, यानी माइका हो गया। हजारीबाग की बातचीत करें तो कोयला के लिए दोस्तों सभी लोग जानते हैं। रांची की बातचीत करें तो आयरन ओर के लिए हो गया। तो खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे भारत का रूर कहते हैं। और इसी हजारीबाग पठार में पारसनाथ छोटा नागपुर का शिखर है। पारसनाथ जैन धर्म के तीर्थांकर रह चुके हैं दोस्तों, तीर्थांकर रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम से ये चोटी का नाम रखा गया है। अब हजारीबाग से दोस्तों इस प्रकार से कहीं ना कहीं नदी निकलती है दामोदर, जिसकी सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार और बोकारो, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मैथान बाल पहाड़ी तथा तिलैया
ये किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बराकर नदी है। और इस बराकर नदी पर ये तीनों डैम बनाए गए हैं, मैथान डैम, बाल पहाड़ी और तिलैया। तो इसके लिए 19वें का बी ऑप्शन सही करेंगे। वैसे कुनार नदी पर कुनार डैम बनाया गया है, बोकारो नदी पर बोकारो डैम बनाया गया है, लेकिन मैथान की बातचीत करें, बाल पहाड़ी की बातचीत करें, तिलैया की बातचीत करें, तो ये तीनों जो डैम है वो आपका बराकर नदी पर बनाए गए हैं। दोस्तों दामोदर नदी अकेले बच रही, इसकी भी थोड़ी बातचीत करते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग क्षेत्र से निकल करके हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है दोस्तों। और दामोदर नदी को भारत की बायो डेजर्ट कहते हैं। देखिए कल मैंने बताया था कि भारत की किस नदी को बायो डेजर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दामोदर नदी अति प्रदूषित हो गई होगी, इसके कारण इसमें जो वेजिटेशन होगा, इसके जो क्रीचर होंगे, उस आधार पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए इसे भारत की बायो डेजर्ट कहते हैं। और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक हो गया दामोदर नदी को कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। छोटा नागपुर पठार भारत का रोड कहते हैं, या फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछा आता है, भारत का खनिज भंडार गृह किसे कहते हैं? खनिज भंडार गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर। माइका बेल्ट किसे कहा जाता है? माइका बेल्ट किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को सही करोगे। इसी प्रकार से आयरन बेल्ट किसे कहेंगे? तो रांची प्लेटू को सही करोगे। और कोल्ड बेल्ट किसे कहेंगे? तो हजारीबाग को सही करोगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है गांधी नगर। यहाँ पे जो नगर है, हमारे टाइपराइटर महोदय ने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, गांधी सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है? बताइए किस नदी पर, यानी ये तीनों एक प्रकार के जो डैम है वो किसी एक ही नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। देखिए सरदार सरोवर की जब बातचीत करते हैं, सरदार सरोवर की जब बातचीत करते हैं दोस्तों, तो फिर इसमें नर्मदा नदी को आप सभी लोग सही करोगे। ठीक है, यहाँ पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल तथा कृष्णा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल नदी। सभी लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20वें का सही जवाब देंगे कि चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो बांधों से संबंधित जो सामान्य से क्वेश्चन आते हैं, हम प्रयास अभी करेंगे, बांधों का जो टॉपिक होता है इतना तो इजी नहीं है कि इकट्ठा समाप्त हो जाए। अगले चरण में हम ये प्रयास करेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध कौन सा है, ज्वारीय बांध कौन सा है ना, और उस बांध में कम से कम कितना ज्यादा जो है कितनी मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है, उनका संबंध किन राज्यों से है, और भी ढेर सारे बांध हैं उनके विषय में हम जरूर बताना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक, नेक्स्ट सेशन का इंतजार करें और अच्छे से पढ़ते लिखते रहें। जय हिंद।